झारखंड के राजधानी रांची में वाहन चेकिंग के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर मरने वाली आरोपी की पहचान साजिद के रूप में हुई है। वहीं एसआई संध्या टोपनो को कुचलने वाले वाहन में वह दूसरा सवार था। पुलिस ने उनके दो करीबी सहयोगियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आगे की जांच अभी तक जारी है। बता दें कि बुधवार यानी 20 जुलाई को सुबह रांची के टूपुदुना ओपी की इंचार्ज संध्या टोपनो वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी संध्या के ऊपर ही चढ़ा दी और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद आनन फानन में ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश की जांच शुरू कर दी थी। काफी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह आरोपी को पकड़ लिया गया था। वहीं रांची के एसपी सिटी अंशुमान कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उसकी गाड़ी भी सीज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया क्या शख्स और गाड़ी तस्करी जैसे किसी अवैध काम में शामिल थे, इस पर जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद इसकी डिटेल बताई जाएगी। बाकी आप क्या कहेंगे और आप झारखंड के लेकर क्या सवाल उठाना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।